देसी लोग यूज करते हैं, मुझे नहीं पता था सौरभ तो इतना देसी निकलेगा। अरे सौरभ, मैंने तुझे कल गाड़ी में देखा था, तूने नई गाड़ी ली है क्या? हाँ ली है मैंने नई गाड़ी। अरे रूपाली, तुझे पता है इसमें कौन सी कार ली है? हाँ बता कौन सी ली है। पहले प्रॉमिस कर तू हंसेगी तो नहीं। हाँ हाँ नहीं हंसूंगी, तू जल्दी से बताना इसमें कौन सी कार ली है, मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। अरे इसने ब्रेजा ली है, मारुति की। क्या ब्रेजा ली है? अरे ब्रेजा तो देसी लोग यूज करते हैं, मुझे नहीं पता था सौरभ तो इतना देसी निकलेगा। अरे गाइस ब्रेजा नहीं है। ब्रेजा नहीं है तो क्या हवाई जहाज लेके आया है? हाँ सौरभ, हम तो तुझे बहुत मॉडर्न समझते थे, अब तू ऐसी देसी वाली हरकतें करेगा तो हम क्या सोचेंगे तेरे बारे में। अरे सौरभ तुझे पता है इसने ये कार क्यों ली होगी? ताकि दो चार सवारी ढो सके और दो चार पैसे कमा सके बेचारा। अरे यार इसने तो सारा मूड स्पॉइल कर दिया हमारा। हमारे पास कितनी महंगी गाड़ी है, हमारे पास स्कॉर्पियो है, फॉर्चुनर है, और ये क्या लेके आया ब्रेजा। अरे पैसे ही कम पड़ रहे थे तो तू बैंक से लोन ले लेता, तुझे जरूरत क्या थी ब्रेजा लेने की? अरे साहिबा बैंक भी उसे ही लोन देता है जिसके पास कुछ होता है, और इस बेचारे देसी के पास तो कुछ है ही नहीं, कहाँ से लोन देगा बैंक। हाँ तू सही कह रही है। और सौरभ तू अगर ये सोच रहा हो कि हम तेरी गाड़ी में घूमेंगे फिरेंगे तो ये तो तेरी गलत फहमी है, हम इतनी सस्ती गाड़ी तो बिल्कुल नहीं बैठेंगे। तूने ये गाड़ी खरीद के अपना स्टैंडर्ड तो गिरा लिया, लेकिन हम उसमें बैठ के अपना स्टैंडर्ड नहीं गिरा सकते। अरे यार हमने सोचा था सौरभ जब गाड़ी लेगा तो हम इससे पार्टी लेंगे, लेकिन अब तो बिल्कुल भी मूड नहीं है इसे पार्टी लेने का। अरे यार अगर तुम लोगों का हो गया हो तो मैं कुछ बोलूं? अरे अब तू बोलेगा ही क्या? चल कोई नहीं, एक मौका देते हैं, तू बोल क्या बोलना है, तेरी भी सुन लेते हैं। अरे तुम लोग गाड़ी में नहीं बैठना ठीक है, और तुम्हें पार्टी में नहीं चाहिए वो भी ठीक है, लेकिन एक बार मेरे साथ चलकर मेरी गाड़ी देख तो लो। अरे कौन देख रहा है सड़ी सी ब्रेजा को, हम तो नहीं देख रहे। अरे मुझे देखनी है ना, वैसे भी मैंने कभी नहीं देखी है ब्रेजा। अरे तूने सच में नहीं देखी, कैसी बात कर रही है तू? अरे हाँ यार वैसे क्या है ना, मैं कभी गांव टाइप के एरिया में गई नहीं हूँ ना, इसलिए मैंने कभी नहीं देखा है। अच्छा चल इसकी गाड़ी देख ही लेते, तू कह रही है तो चलो। लेकिन तू मुझे लाइक और फॉलो कर देगा तो मैं तेरी माँ की उम्र 100 साल बढ़ा दूंगी। अरे सौरभ ये है तेरी कार? अरे इतनी बत्तीसी क्यों दिखा रही है, कार ही खरीदे कुछ जहाज नहीं। अरे साहिबा जहाज ही है, लेटेस्ट मॉडल है पोर्शे का। क्या पोर्शे का लेटेस्ट मॉडल? हाँ ये पोर्शे का लेटेस्ट मॉडल है जिसको तुम ब्रेजा गाड़ी कह रहे थे, और जितने की ये गाड़ी है ना उतने में तो 25-30 ब्रेजा आ जाएगी। अरे साहिबा देखने में तो ये कितना देसी टाइप का लगता था, लेकिन देख इसने कितनी महंगी गाड़ी खरीद ली है। अरे रूपाली तुझे तो पता है मुझे गाड़ी की मॉडल की इतनी नॉलेज नहीं है, बस इसलिए थोड़ी गलत फहमी हो गई। नॉलेज होना या ना होना ये एक अलग बात है, लेकिन किसी को जानबूझकर नीचा दिखाना ये बहुत गलत बात है। खैर तुम लोगों की तो ये पुरानी आदत है, जब तुम लोग कॉलेज के टाइम पे ही नहीं सुधरे तो अब क्या सुधरोगे। और वैसे एक बात बताओ ब्रेजा में प्रॉब्लम ही क्या है, इतनी रफ एंड टफ गाड़ी है ब्रेजा, और हमारी कंट्री में तो ब्रेजा चाहे शहर हो चाहे गाँव हर जगह यूज करते हैं लोग अपने पर्पज के हिसाब से, तो इसमें देसी गवार ब्रेजा चलाते हैं, इसमें ये बात कहाँ से आ गई। देखो जिसका बजट ज्यादा होता है और जिसका शौक ऊंचा होता है तो अपने शौक के हिसाब से महंगी गाड़ियां लेते हैं, लेकिन वही जिसका बजट कम होता है और उनकी कुछ जरूरत होती है तो वो अपने जरूरत के हिसाब से छोटी गाड़ी लेते हैं, इसमें बुराई क्या है। पर तुम लोगों की सोचना ऐसी है कि इसके पास 2-3 करोड़ की गाड़ी है तो उसे ज्यादा रिस्पेक्ट दे, वही किसी के पास 10-12 लाख की गाड़ी है तो उसे थोड़ा कम रिस्पेक्ट दे, यही बात है ना। आई एम रियली सॉरी सौरभ, हमने तुझे जाने अनजाने में बहुत कुछ बोल दिया, और वैसे भी हम तो तेरे दोस्त है ना, अपनी महंगी गाड़ी में काउंट तो लगवा दे। अरे गाइस अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने तो कहा था कि हम तेरी छोटी गाड़ी में नहीं बैठेंगे, हमारा स्टैंडर्ड खराब हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता मेरी गाड़ी में बैठकर तुम लोगों का स्टैंडर्ड खराब हो। अरे सौरभ तू तो बुरा ही मान गया, हम तो कॉलेज टाइम से दोस्त है, और वैसे भी दोस्तों की बातों में बुरा कौन मानता है। ऐसा है रूपाली, हम दोस्त है नहीं हम दोस्त थे, और मुझे बहुत शर्म आती है ये सोचकर कि तुम लोग मेरे कॉलेज टाइम में दोस्त थे। मैंने तो सोचा था जो हमारी लाइफ बदलेगी कॉलेज के बाद में, और हम जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे जॉब करेंगे या फिर बिजनेस करेंगे तो हमारी सोच बदल जाएगी, हम लोग मैच्योर हो जाएंगे, लेकिन हाँ तुम लोग ना बिल्कुल भी मैच्योर नहीं हुए, तुम लोग तो वैसे के वैसे ही हो, जिस तरह से तुम लोगों को नीचे दिखाए थे कॉलेज के टाइम पे आज भी तुम वैसा ही करते हो, और मुझे ना बहुत शर्म आती है तुम दोनों को अपना दोस्त कहते हुए। अब जाओ यहाँ से अपनी महंगी स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर में घूमो। सॉरी सौरभ हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आगे से हम किसी को भी नीचा नहीं दिखाएंगे, किसी को भी गवार वार कुछ भी नहीं बोलेंगे। हाँ सौरभ तू हमें माफ कर दे, मैं तुझे प्रॉमिस करती हूँ ना हम कभी भी किसी की बेइज्जती नहीं करेंगे। चलो ठीक है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना काफी है, लेकिन हाँ आज के बाद कोई भी शिकायत का मौका ना मिले मुझे। चलो आओ घुमाता हूँ अपनी नई गाड़ी में तुम्हें।
हमें कभी भी पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए और कभी भी बिना समझे किसी को कुछ भी नहीं बोलना चाहिए और ना ही गलत जज करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इस लड़के ने अपने दोस्तों का घमंड उतार कर बिल्कुल ठीक किया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलना दोस्तों।